मान जी की सरकार ने वह कर दिखाया जो पिछलियां सरकार 70-75 साल च नहीं कर सकियां। अज पंजाब च रोजाना हजारा लोगों नूं आम आदमी क्लीनिक तो मुफ्त दवाई, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त इलाज मिल रहा। 85% पंजाबियों का बिजली का बिल जीरो आ रहा। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने कैबिनेट मैं चुनिया। मैं याद है पहली कैबिनेट का पहला फैसला कि पंजाब के दोबारा रोजगार देना, ते डेढ़ साल के 36,000 सरकारी नौकरियां दित्तियां सरदार भगवंत मान जी ने। मेरे हल्के साडे पिंडां च दोबारा नौजवानों च विश्वास आ गया जे पढ़ांगे तो सरकारी नौकरी पक्की है। भ्रिष्टाचार का खात्मा करता, ते किसी ते रहम नहीं, कोई अपना, कोई पराया, कोई अफसर, कोई लीडर, किसी ते रहम नहीं। एक ऐदां दी सरकार दित्ती है। आपां सबनूं पता कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ते भगवंत मान जी ने पंजाब दे नाल गरंटी दित्ती सी कि पंजाब दे विच ऐदां दे स्कूल होणगे जो प्राइवेट स्कूलों नूं मात पाणगे, पंजाब दे विच ऐदां दी सरकारी सिक्ख्या होगी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एडुकेशन होगी। डेढ़ साल मैं अपने मुख्यमंत्री साहब का रोज धन्यवाद करता, परमात्मा का सदा ही शुक्र कर गुजार हाँ छेवें पातशाह का कि सिक्ख्या वर्गा पावन पवित्र महकमे की जिम्मेदारी मैनू दिती। की हाल से इस महकमे का, धरने वाला महकमे इसनों कहते सी। स्कूलों चार दवारी नहीं, स्कूलों सफाई नहीं, स्कूलों बेंच नहीं, स्कूलों टीचर नहीं, ये हाल से इस महकमे का। की गरीब के बच्चे हक नहीं वह सरकार वह वधिया पढ़ाई कर सके, कि गरीब के बच्चे हक नहीं। मैं थानू कुछ निजी किस्से, क्योंकि बतौर सिक्ख्या मंत्री मैं बहुत सारे स्कूलों जाता रहना, कुछ निजी किस्से थोड़े नाल सांझे शेयर करूंगा। मैं अजनाले दे एक स्कूल च गया, सीनियर सैकेंडरी स्कूल, उत्थे एक बच्ची नूं पुछे क्लास दे विच, उसका नाम अमनप्रीत कौर है, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत कॉन्फिडेंस। मैं उसनूं पुछया बेटा की बनना चाहते हो, वह खड़े आके कहती कि सर मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं पूछा बेटा थोड़े पिता की करते हैं, वो रोन लग पी, उची उची रोन लग पी, कहने जी मेरे पिता अमृतसर दे विच ऑटो चलाते, मेरे घर के हालात बहुत खराब है। मैं क्या वादा है सरदार भगवंत मान जी की सरकार का कि इदा के स्कूल से इदा की पढ़ाई देवे इसी स्कूल दे विच कि तुसी पक्का IPS ऑफिसर बन सको। मैं फिरोजपुर गया, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका, उत्थे एक नौजवान मैनू मिलिया। मैं उन्हें पूछा की कहना, मैं देश का सब तो वड्डा वकील बनना चाहना, हरमन जोत उहदा नाम सी। मैं उसने वादा किया कि बॉर्डर के इलाके दे विच भी ऐदां दी सिक्ख्या देवांगे कि थानूं तुसीं अपने सपने पूरे कर सको। असीं अपने बच्चियां नूं इसरो लेके गए चंद्रयान दिखाने दे लई, जिस फ्लाइट च मैं गया मेरे नाल गए असीं, तो उत्थे एक बच्ची श्रुति संगरूर तो मैनू मिली। मैं पूछा की सपना है, कहंदी सर मेरा सपना है कि अज तो 10 साल बाद मैं इसरो साइंटिस्ट होवां, तो थानू इत्थे बुलावां, तो साडे CM साहब नूं इहनूं बुलावां। तो कुछ दिन पहला अक्सर मैनू बच्चे कंप्लेंट भेजते रहिंदे आ। कुछ दिन पहला मैं खरड़ दे एक स्कूल च गया, सर मुझे बच्चों की कंप्लेंट आई कि हमारे वॉशरूम साफ नहीं है स्कूल के। तो मैं स्कूल दे विच चला गया, स्कूल दे विच कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस सीगा। मैं उन्होंने बच्चों नूं अपनी गड्डी च बिठाया, सेक्रेटरीएट लेके आ गया, अपने ऑफिसर सारे ऑफिसर बुला ले कि की कमी है, क्यों वॉशरूम रोज साफ नहीं होंगे। तो जो असी स्कूल तो सेक्रेटरीएट वाल जा रहे थे, एक बच्चा उसका नाम प्रिंस, उसके पिता हेलमेट बेचते हैं सड़क पर खरड़, हेलमेट बेचते हैं, वह खुद भी स्कूल तो बाद हेलमेट बेचता। मैं उसको पूछा बेटा की बनोगे, कहना मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता। मैंने सर उससे पूछा कहां से लड़ोगे, मोहाली से लड़ोगे, खरड़ से लड़ोगे। सर उसने जो बोला वो कहता मैं बिहार से हूं, मेरा इलाका बहुत गरीब है, मैं बिहार का भगवंत मान बनना चाहता हूं। तो सर हम असी इदा की सिक्ख्या देवांगे कि वाकई प्रिंस बिहार में भी ठीक कर सके, तो बिहार का भगवंत मान बने। सर पिछले 1.5 साल के साफ नीयत के सदका पंजाब का सब तो शानदार नतीजा इस साल आया, सब तो वध बच्चे नीट दे विच जेई दे विच इस साल सिलेक्ट होए हैं। 12,710 टीचर जो हुण तक सिर्फ डांगा खांदे सी वो पक्के हो गए, उन्होंने पूरी सैलरी मिलने लगी 2 महीने तो। 10,000 तो वध टीचर भर्ती किए हैं, तो हजारा टीचर की भर्तियां चल रही सर, ये 1.5 साल के मुमकिन होया सर। तो अज तुसी सब ने देखिया कि किवें
श्री अरविंद केजरीवाल जी ते भगवंत मान जी ने पंजाब दा पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस लॉन्च किया। 76 सालां दे विच एक भी स्कूल अमृतसर च ऐदां दा नहीं सी सरकारी जो प्राइवेट स्कूल नूं मात दे सके। वो पहला स्कूल सरदार भगवंत मान जी की सरकार ने दिता है। अज असी दावे नाल कह सकते हैं पूरे पंजाब के किसी भी प्राइवेट स्कूल नालों साडा अमृतसर का सरकारी स्कूल सब तो बैटर है। यह बदलाव है जी। तो मैं अज दे इस खास दिन जिथे असी सिक्ख्या क्रांति दे विच पूरे पंजाब के हर स्कूल नूं कुछ ना कुछ दे रहे हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस लॉन्च किया। मैं एक खास शख्सियत यूथ जरूर याद करना चाहूँगा, श्री मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने इस देश के विच सिक्ख्या की मिसाल चलाई, जिन्होंने देश नूं दस्या कि एक शिक्षा मंत्री हुंदा की है, एक शिक्षा मंत्री दे फर्ज की है। 6 महीने तो वध सफर समा हो गया, 6 महीने तो वध उन्होंने जेल च रखिया होया। कोई कसूर नहीं, कसूर यह है कि मनीष सिसोदिया ने इको बेंच के उत्ते रिक्शे वाला डीसी का एमएलए का बच्चा इको बेंच से बिठा दिता। सिर्फ आई दोष है, होर मनीष सिसोदिया का कोई दोष नहीं। पर मैं इस मंच तो दसना चाहूंगा कि तुसी किसी शरीर को कैद कर सकते हो, किसी शरीर को जेल च पा सकते हो, पर मनीष सिसोदिया की सोच को जेल च नहीं पा सकते। अज असी ये स्कूल बनाया तो पंजाब का हर स्कूल श्री मनीष सिसोदिया के सपनों वर्गा होगा। इसी दे नाल मैं बेनती करूंगा दोवें मुख्यमंत्री साहबानों अगे आते अज इतों 1600 करोड़ के पूरे पंजाब के वख-वख स्कूलों के लिए जिहड़ा सिक्ख्या क्रांति जो आप सब दा साढ़े गारंटी सी वो पूरी होगी। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताड़ियां नाल पंजाब सिक्ख्या क्रांति की शुरुआत 1600 करोड़ की लागत के नाल पंजाब के हर 20 हजूर स्कूलों तक यह पहुंचेगा। इसी दे विच सब तो पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस जो एक बन चुकिया, 116 होर दिन रात उत्थे काम चल रहा, उस दे लई 200 करोड़ का जिहड़ा है सेंक्शन हो चुका, दिन रात उत्थे चल रहा स्कूल ऑफ एमिनेंस। इस तो बाद तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे कि स्कूलों के विच चार दीवारी नहीं, तुसीं तां देखदे हो तां 7082 स्कूलों के लिए 7000 स्कूलों के लिए 358 करोड़ रुपए की चार दीवारी जिहड़ी है। अगर इस चार दीवारी असी भी मिनती करिए 1123 किलोमीटर लंबी चार दीवारी अगले 6 महीने पंजाब के 7000 स्कूलों च बनेगी। इस दे नाल ही मान साहब का सुपना है, इन्हों का एक मिशन है कि पंजाब के हजे भी बच्चे थले बैठते हैं, टप्परा से बैठते हैं, तो अगले 3 महीनों के पंजाब का कोई भी बच्चा थले नहीं बैठेगा। 25 करोड़ रुपया पंजाब के जेड़े है बेंचा के लिए, कोई भी पंजाब चाहिदा दा सरकारी स्कूल नहीं होगा जिथे बच्चा थले बैठूगा। इस तो बाद बाथरूम की या तो बाथरूम है नहीं या उनकी कंडीशन बहुत माड़ी है, तो 60 करोड़ की लागत के नाल तकरीबन 6800 बाथरूम नवे या उनकी रेनोवेशन होगी। पंजाब के हर सरकारी स्कूल के विच साफ सुथरा बाथरूम असी देवांगे। इस दे नाल ही 800 करोड़ की लागत के नाल 10,000 नवे क्लासरूम अगले 1 साल के विच उन्हां दा काम शुरू हो गया 800 करोड़ की लागत के नाल। इस दे नाल ही कैंपस मैनेजर, पंजाब के हर सरकारी स्कूल के विच कैंपस मैनेजर है साढ़े सामने भी बैठे है, ते पंजाब के विच जिन्ने भी सीनियर सैकेंडरी स्कूल है उन्हां दे विच सिक्योरिटी गार्ड पंजाब के